की तस्वीर चर्चा स्थल पे क्यों लगाई जाती है? तो क्या आपका लगे? बताइए, आपका भी लगा सकते हैं, छोटा पासपोर्ट साइज का भेजिए मंच पर, उसको भी लगा देंगे उस पर, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, महादेव की चर्चा होगी तो महादेव का फोटो नहीं लगेगा, साहब की चर्चा, साहब की शिव चर्चा हो रही है, किसने दिया ये चीज जो हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, तो नहीं लगाएंगे। आप अपने घर में अपने बाबूजी का फोटो कहाँ लगाए हैं? दिग्दी जनरली में, ये कोई बात हुआ? ठीक है, ये फोटो को हमको 20 रुपया नहीं दे सकता है। आप अपने घर में जो महादेव का फोटो लगाई है उसमें कहिए कि हे महादेव हमको 20 रुपया दे दीजिए, हे महादेव हमको 20 रुपया दे दीजिए, वो फोटो हुआ तो 20 रुपया नहीं देगा, तो इसका क्या मतलब है? बिक दे उसको, तस्वीरें 20 रुपये नहीं दे सकती हैं आपको। तस्वीर तो ये आंधी आएगा, आपका रंगपुरी से उड़ के महिपालपुर चल जाएगा, फोटो हुआ महिपालपुर का। अच्छा, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई बारिश नहीं गला पाएगा, नहीं उड़ा पाएगा, तो उसको अपने दिल में जगह दीजिए। तस्वीरों के प्रति श्रद्धा है, बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तस्वीरें आपको नहीं दे सकती, तस्वीरें श्रद्धा है, आपको बिल्कुल रखनी चाहिए। किसी ने लगा दिया तो लगाइए, क्यों नहीं लगाइए, बिल्कुल लगाइए। साहब टोपी क्यों पहनते हैं? अपना शौक है यार, तो अब साहबे बताएंगे, उसका और भी विज्ञान हो सकता है। जैसे जैसे सड़क सबकी है, किसी की निजी नहीं हो सकती, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ सवाल को, शिव भी सबके हैं तो मेरे गुरु कैसे होंगे भैया जी, क्यों नहीं होंगे? अरे भाई साहब, स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो सबको पढ़ाते हैं ना, आपको उनसे ज्ञान लेना होगा, आपको उनसे पढ़ना होगा। अरे बिजली तो सब जगह तार में दौड़ रही है पूरी दिल्ली में, घरवा में मीटरवा लगाइएगा भाई जी, लगा लीजिए, तब ना लाइन भक से जलेगा, पंखा गरम गरम चलेगा, ऊर्जा एक ही है, करंट एक ही है, उसको बल्ब में डाल के रोशनी ले लेते हैं, उसको पंखे में डाल के हवा ले लेते हैं, उसको हीटर में डाल के गर्मी ले लेते हैं, फ्रिज में डाल के ठंडापन ले लेते हैं, लेकिन जरा उसको छूए तो, छूएगा मत, छू नहीं सकते। उसको छूने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, दस्ताना पहनना पड़ेगा, पाँव में जूता डालना पड़ेगा, आप चले हैं उसका सॉकेटवा में उंगली घुसाने, तब तो बिजली तो जिसने बनाया है उसको भी नहीं पहचानती। इसलिए शिव को कहा जाता है कोटि सौ दामिनी भाषा, दामिनी मतलब आसमान की बिजली, हजारों हजार बिजलियों की चमक है उस शिव में। भयम भीषणा नाम, जिससे भय को भी भय लगता हो, जिससे डर भी डरता है, उस शिव को कहा जाता है। तो भाई साहब, दुनिया में कोई भी चीज सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, वो शिव किसी के सार्वजनिक संपत्ति नहीं हो सकते, क्योंकि उसका नाम ही शिव है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, कल्याण सभी के लिए होता है, आशीर्वाद सभी के लिए होता है, वो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। उस शिव को आप अपना गुरु बनाएंगे, मेरा मन में मेरा समझेंगे तो परिणाम आएगा। चलो चलो, ये गेस्ट पेपर खत्म कर, तुम्हारा बताओ जल्दी, मिठाई चढ़ाते हैं चर्चा स्थल पे, मिठाई चढ़ाना, अरे यार किसी ने चढ़ा दिया तो चढ़ाने दो यार, क्या दिक्कत है। एक गुरु भाई हमको फोन किए बहुत साल पहले, पिछले बार भी मैं दिल्ली आया था, मैं बता रहा था, अरे भैया घर में मनौती चर्चा रखे हैं, गृह प्रवेश है, क्या क्या प्रसाद में बनावे, हम बोले यार काला इसको झंझट कर रहे हो, चर्चा करा लो बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, बहुत मेहनत से घर बनाए हैं, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी नहीं माना। हम बोले कल फोन करना कागज कलम लेकर, हाँ ठीक है भैया, कल फोन किया 4 बजे हमको, भैया आप बोले थे ना लिखवा देंगे क्या क्या प्रसाद बनेगा, हम बोले हाँ लिखो, 5 बोरा काजू, तो पहले तो जी, हम बोले 5 बोरा काजू, तो पहले लिखा, हम बोले 10 बोरा किसमिस, तो मिलाने में तो थोड़ा ज्यादा चाहिए, मिक्सर बनेगा, 50 किलो छोहारा, उसको ऐसा ऐसा आइटम लिखा है 4-5 लाख का हम, तो लास्ट में वो बोला लिखते लिखते, भैया इतना
पांच छह बीघा जमीन बिक जाएगा मेरा। हम लोग ससुराल जब तुमको हम पहले ही बोले कि महादेव की चर्चा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, कहां से लाएगा वो रिक्शा वाला जो 20 रुपया 100 रुपया डेली कमाता है यार, कहां से पैसा लाएगा, कहां से अगरबत्ती खरीदेगा? आप उसको अगरबत्ती और ये सब चीजें दिखाएंगे तो कहां से खरीदेगा? उसका भी शौक है करने का अपने, अरे आपके पास है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैंडेट भी मत कीजिए, इसको जरूरी मत बनाइए। उस शिव वो शिव, अरे चढ़ाते हम और आप हैं, खाते भी हम ही और आप हैं, उस शिव को क्या लेना देना आपकी चीजों से या वस्त्रों से या पैसों से या किसी भी चीज से? ये हमारी और आपकी जरूरतें हैं, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है कि आप उस शिव से निस्वार्थ भाव से जुड़िए, स्वार्थ है तो भी जुड़िए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे करंट बह रहा है, आपको विश्वास नहीं है कि नहीं मारेगा, छुइए ना भाई जी, छुइए, हम कह रहे हैं नहीं मारेगा, हाँ ठीक है नहीं मारेगा, छुइए, समझ में आ जाएगा आपको मारता है कि नहीं, क्या करता है। झूठे मूठे आप किसी ने चढ़ा दिया महादेव को प्रसाद तो कौन सा बहुत बवाल कर दिया भैया, चढ़ा दिया नहीं चढ़ाया अगर किसी ने तो उसको कहिए भी मत कि तुम चढ़ाओ, उसको कहिए भी मत कि तुम फोटो लगाओ। अरे चढ़ाते क्या चढ़ाती हैं आप लोग, कोई गुरु बहने बताएं क्या चढ़ाती हैं प्रसाद में? मिश्री, कभी आपका दामाद घर आए तो आधा किलो मिश्री खाने के लिए दीजिए उसे, अगर खा गया तब ठीक चढ़ाइए, तो आप तो दीजिएगा उसको रसगुल्ला, चमचम, मिक्सचर, पानी, चाय, अच्छी चीज। अरे भाई दामाद घर पे आए हैं, गेस्ट घर पे आए हैं कोई भी, तो आप अच्छी चीज खिलाइएगा ना। महादेव की चर्चा हो रही है तो उसमें तो और भी अच्छी चीज खिलानी चाहिए ना। गुलाब जामुन चढ़ाइए, रसगुल्ला चढ़ाइए, बच जाइए तो कुछ हमको भी खिलाइए, आप भी खाइए, क्या दिक्कत, बढ़िया चीज खिलाइए। आप खिलाइएगा वो क्या बोले मिश्री बादाम, कुत्ता को दे दीजिए आधा किलो खाने के लिए, वो भी नहीं खाएगा। तो वो है कि चढ़ा देते हैं हम लोग श्रद्धा है, अरे चढ़ा दिया किसी ने, चढ़ा दिया कोई बात नहीं। चर्चा से ज्यादा भजन होता है, चर्चा से ज्यादा भजन होता है यार, चर्चा हो। देखो यार इन चीजों को समझिए, व्यक्ति की श्रवण सीमा 40 से 45 मिनट तक की होती है, सुनने की शक्ति, उसको कितना भी भाषण हम आपको दे दें लेकिन 40 से 45 मिनट के बाद आपके माथा से ऊपर जाने लगेगा कि मोनू बाबू आप पकड़ पकड़ करने लगे। अब आप धीरे धीरे अपना चप्पल उपल खोजिएगा कहाँ खोले थे, धीरे धीरे आप सड़क में बगल वाली गुरु बहन पूछिए कहाँ जा रही है, बैठिए ना अभी चर्चा चलिए रहे, आ रहे हैं थोड़ा बस, और उधर से आप भाग जाइए। ऐसी स्थिति होती है, बहुत सारे ऐसे वक्ता भी होते हैं जो 5 मिनट में ऐसा करते हैं कि आपको लगेगा दुनिया कहला है, बात होनी चाहिए थी शिव की, होने लगेगी कुछ और। तो व्यक्ति की सुनने की सीमा वो 40 से 45 मिनट, इसीलिए आप देखे होंगे स्कूल में बच्चों के 45 मिनट की घंटी होती है, नहीं 45 मिनट का एक क्लास होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। तो हम लोग क्या 45 मिनट का एक घंटी होता, लेकिन आप बहुत सारे गुरु भाई जिनको 45 मिनट बोलने के लिए कर दीजिएगा तो जमीन फट जाएगा, वो ऐसा ऐसा बात करेगा कि दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बीच में वो भजन दे देते हैं कि बहुत दिमाग डिस्टर्ब कर दिए हैं, उन्होंने वो भजन सुन लेते हैं तब थोड़ा सा हल्का लगेगा, तब ना दूसरे का लोड लीजिएगा भाई, अब फलना वक्ता आ रहे हैं, महान वक्ता, फलना महान वक्ता आ रहे हैं अभी बोलेंगे, तब उसके लिए तो तैयार होना होगा, माथा में सारा कचरा उचरा निकाल करके। तो एक आदमी भजन गा लेता है, कोई गाने दीजिए, लेकिन आप भजन में तो आप महादेव बना लीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको हम सीढ़ी दिए कि चल जाइए दूतल्ला पे, आप सीढ़ी धर के हिलाने लगे तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, वो सीढ़िया महादेव नहीं होगा, वो एक साधन है चढ़ने के लिए, उसको साधन की तरह ही इस्तेमाल करिए। भजन गाने का मन एक आदमी गा लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन आप भजन में गाइएगा चर्चा हो गया गोल, तब तो जो मूल उद्देश्य है उस पर रहना चाहिए व्यक्ति को, और भजन गाने की इच्छा है तो गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भजन कोई नेसेसिटी मत बना दीजिए। चलो शिव गुरु की अवधारणा क्या है? अरे और कुछ है इसके अलावा? शिव गुरु की अवधारणा क्या है? सब तो गुरु भाई बहन ही पढ़ते, अरे शिव गुरु की अवधारणा हम और आप समझ जाएंगे, हम और आप समझ सकते हैं, महादेव को समझ जाइएगा, ताकत है इतनी। कहा जाता है तव तत्वम ना जानामि की दृश्योसी महेश्वर, याद दृशाय महादेव तादृशाय
हे महादेव, आपको जानना सुनना समझना मेरे से परे की बात है भैया, आप जैसे भी हैं आपको प्रणाम। हम अपने बचवा को नहीं समझ पाते हैं कि 10 मिनट के बाद ही क्या करने वाला है। ठीक है, देखिए बगल में बचे अभी गाड़ी में आए तो कान में हेडफोन लगा दिए, डांटे उसको। हम लोग दिल्ली आए, थोड़ा दाहिने बाएं देखिए, बड़ा शहर है, सीखिए। तो खैर बचा जो उतनी ओबीडियंट है। तो शिव की अवधारणा को समझना तो हम और हमारी और आपकी सीमा से परे की बात है। दुनिया में कोई नहीं समझ सकता है कि ये वही है जो 5 अंधों की कहानी है। 5 को अंधा हाथी को छू रहा है तो एक पूछी पकड़ रहा है तो कह रहा है कहाँ है हाथिया, तो रस्सी के जैसा होता है। एक वो सूंड पकड़ रहा है तो कह रहा है कि हाथी तो मोटा रस्सा की तरह होता है। एक वो उसका पैर पकड़ रहा है तो कह रहा है हाथी तो खंभा जैसा होता है। हम और आप ऐसे ही। शिव को समझना, समझ लीजिए इस बात को कि शिव के अलावा कोई नहीं शिव को समझ सकता। लेकिन हम और आप शिव के शिष्य हैं, थोड़ा तो समझ ही सकते हैं, थोड़ा तो समझ ही सकते हैं। हम और आप शिव के शिष्य हैं। अगर किसी ने कह दिया कि महादेव के बारे में 5 को बात बोलिए तो नहीं बोल पाइएगा। लानत है हमारे शिव शिष्य होने पर कि अगर नहीं बोल पाएंगे। लानत है हमारे शिव का शिष्य होने पर कि अगर यहाँ से बैठ के चर्चा कर रहे हैं कोई व्यक्ति जिसने शिव को गुरु नहीं माना है और वो बिना माने यहाँ से उठ के चला जाए। ऐसी शिव चर्चा का कोई लाभ नहीं है। जो लोग ऐसी शिव चर्चा करते हैं होशियार करिए। चलिए, दरभंगा जिला में कार्यक्रम के लिए आपको बुलाया जा रहा है। अच्छा, दरभंगा जिला में, हाँ ठीक है, वो कहीं भी बुलाइए आप। लेकिन आप क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए। आप कहिए साहब ने सभी को ये अधिकार दिया है और इस अधिकार का फायदा उठाइएगा ना। ये आपका अधिकार है कि आप शिव चर्चा कर सकते हैं। कोई छीनने वाला नहीं है शिव के अलावा आपसे। ये शिव के अलावा इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया को आप अपने गुरु शिव का शिष्य बनाए। ये मात्र शिव ही कर सकते हैं। शिव की दया से हम और आप शिष्य कर सकते हैं।